बॉलीवुड की वर्सटाइल अभिनेत्री मुमताज, जिन्होंने 60 और 70 के दशक में अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया था, उस समय मुमताज का हर कोई दीवाना था। मुमताज, जिन्होंने बॉलीवुड के दिवंगत सुपरस्टार देवानंद के साथ भी दो बड़ी फिल्मों तेरे मेरे सपने 1971 और हरे रामा हरे कृष्णा 1971 में काम किया था, उन्होंने देवानंद की बहन का रोल निभाने से मना कर दिया था। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में मुमताज को पहले देवानंद की बहन वाला रोल ऑफर हुआ था, लेकिन मुमताज ने बहन का रोल करने से मना कर दिया था और उसकी जगह उन्होंने फिल्म में देवानंद की पत्नी का रोल निभाया था। मुमताज ने इस फिल्म में देवानंद की बहन का रोल निभाने से क्यों मना किया था, इसका कारण खुद अभिनेत्री ने बताया है। मुमताज ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इस फिल्म में देवानंद की बहन का रोल न निभाने का कारण बताते हुए कहा कि वह इस फिल्म से पहले तेरे मेरे सपने में उनकी पत्नी का रोल निभा चुकी थी, इसलिए वह इस फिल्म में उनकी बहन का रोल नहीं निभाना चाहती थी। मुमताज ने कहा कि वो मेरे पास हरे रामा हरे कृष्णा के लिए आए और उन्होंने मुझे इस फिल्म की कहानी सुनाई। वो चाहते थे कि मैं इस फिल्म में उनकी बहन का रोल निभाऊं। मैंने सोचा कि एक शादीशुदा जोड़े का किरदार निभाने के बाद बहन का रोल निभाना थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसीलिए मैंने उनकी बहन की भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया और उनकी हीरोइन वाला रोल निभाने को कहा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि फिल्म में बहन का रोल काफी बड़ा है और इसको मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग थी क्योंकि तेरे मेरे सपने में हमारी जोड़ी लोगों को काफी पसंद आई और वे इस बात पर सहमत हो गए थे। फिर मैंने अपने मन का ही किरदार निभाया। मुमताज ने देवानंद के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के बारे में भी बताया। मुमताज ने कहा कि देव साहब मुझे बहुत पसंद करते थे, मैं देव साहब की बहुत करीबी थी, वह मुझे मुमजी कहकर बुलाते थे, वो मुझे फिल्म के सेट पर अपने स्कार्फ को चुनने को कहते थे। मुमताज ने यह भी बताया कि देवानंद के निधन के बाद उन्होंने उनका चेहरा क्यों नहीं देखा। मुमताज ने इस बारे में बताते हुए कहा कि अफसोस की बात यह है कि मैं जहां रहती हूं, मैं फिर लंदन में वहीं कुछ ही दूरी पे उनका होटल था जहां उनका निधन हुआ। कई लोग मेरे पास आए कि उनको देख लीजिए, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा क्योंकि वो मेरे दिल और दिमाग में हमेशा एवरग्रीन थे, इसीलिए मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख पाती। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।